कौन सी सर्विस करी हमने लास्ट? कौन कौन सी सर्विसेज हमने डिस्कस कर ली है? टेल मी दी सर्विसेज। ईमेल, ओके, ऋषित इज सेइंग ईमेल। प्रोटोकॉल्स, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल्स? व्हाट इज एफटीपी? स्टैंड अप। व्हाट इट्स यूज? एनी एग्जांपल ऑफ द एफटीपी सॉफ्टवेयर्स? सिलेबस तो इट्स गोइंग टू फिनिश, सो वी आई एम गोइंग टू लिसन एवरी डे नाउ। थ्योरी पार्ट तो ऐसे ही होगा, एचटीएमएल की कोडिंग कितनी करोगे? आई नो अभी मैं अबर बोलू ना, सीएसएस भी नहीं होगी। हाँ जी, बता देंगे आपको, प्रैक्टिकल्स का बता देंगे। प्रोबेबली इट कैन बी बिफोर दैट ऑल्सो। आप अपनी सीएसएस की प्रिपरेशन रखो ना, यू नो दैट कि सीएसएस और एचटीएमएल तो आना है। प्रॉपर्टीज आती होंगी तो इट्स नॉट एन इश्यू। वाइवा में इट विल बी एवरीथिंग, सारे चैप्टर्स आएंगे थ्रेटिकली ऑल्सो। चलो कमिंग ऑन टू द सर्विसेज ऑफ इंटरनेट नाउ। चलो ईमेल क्या होता है? क्या होता है ईमेल? इट इज यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, एनी ईमेल साइट्स, एनी ईमेल वेबसाइट और hotmail.com? ओके, व्हाट इज सीसी एंड बीसीसी इन ईमेल? वेरी बैड, कार्बन कॉपी। हाँ, किसमें होते हैं? हाँ जी हरजोबन, आपको कौन सी सर्विस आती है? एनी वन सर्विस ऑफ इंटरनेट दैट वी हैव डिस्कस्ड? वी हैव डन ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या होता है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से, व्हाट विल बी द बेनिफिट फॉर दैट? सिक्योर, ओके। कैशलेस ट्रांजेक्शन विल बी देयर, बट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस देन? सर्वर कैन बी बिजी, साइबर क्राइम। ठीक है, तो नेक्स्ट सर्विस इज दैट इज ई शॉपिंग। ई शॉपिंग मीन्स ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, वेयर आप देख लो बुक में, वी हैव डिस्कस्ड ईमेल, वी हैव डिस्कस्ड फाइंडिंग पीपल ऑन द इंटरनेट, सर्च इंजन्स, एंड देन ई बैंकिंग। फर्स्ट एंड सेकेंड एंड आफ्टर दैट इन द बुक इट वॉज चैटिंग। चैट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं? चैटिंग के सॉफ्टवेयर कौन से हैं? टेलनेट, देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वी डिस्कस, ई लर्निंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ई लर्निंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एंड देन ई बैंकिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नाउ नोबडी इज हैविंग अ बुक, सो राइट डाउन द पॉइंट्स देन। So we are going to start with the e-shopping. So e-shopping means the process of shopping that is taking place over the internet, buying and selling of goods and services. Okay, we can also buy or we can also sell our products online. कौन सी sites हैं जहाँ पे हम अपने old products can be? OLX is there, Quikr is there, and for the shopping websites, Amazon, Flipkart. So whenever in any of the service, the question is examples of a particular site, you will just not write the name. ठीक है, आपने उसका पूरा web address देना है। मिंत्रा कर रहे हैं तो www.mintra.com for every service, चाहे कोई banking website पूछी गई आपसे, चाहे कोई chatting website पूछी गई है, तो you have to tell a full fledged web address. So in the e-shopping, the advantages first is the that is the convenient method.
Why e-shopping is convenient? How it is convenient? So users do not have to visit to a market physically. They can shop anytime, every time, and anywhere by sitting anywhere, right? In any part of the world. So aapki time save hota hai. You are saving the cost of going. Yes, we can compare the goods online. Virtually aapke paas kitne sari sites pe same product hai, so you can compare the discount prices. तो आपके पास प्राइस रेंज की ऑफर आपके पास मिल जाती है एडवांटेज. व्हाट एल्स? वो तो उसी में ही आ गया ना. आप कंपेयर कर रहे हो प्राइसेस को. सो अवेलेबल 24/7 फैसिलिटी. सो यू कैन गिव द रेटिंग्स. एज पर द रेटिंग्स यू कैन हैव द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स जो कि आपको फिजिकल शॉपिंग में नहीं पता चलेंगे. Whichever the product is mostly a selling product or the hot selling product. So that is the advantage over the online shopping or categories. Wo usi mein hi aa jayega comparisons mein, variety. And for shopping, any kind of thing, you do not have to go for a particular one kind of shop. It is available at one platform. Her site pe aapko clothing bhi mil rahe hain, aapko electronics bhi mil rahe hain. Theek hai? So there are websites you can visit accordingly. तो अगर आप Amazon की बात करो, everything is available, ठीक है? अगर आपकी कोई requirement है, आपको कोई दो तीन चीजें चाहिए, ये नहीं है कि आपको मार्केट में अलग अलग शॉप पे जाना पड़ रहा है. सो दैट इज अगेन अ टाइम सेविंग कंसेप्ट. सो व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस इन ई शॉपिंग? ओके, यू कैन नॉट अवेल द बार्गेनिंग ऑफर. अच्छा, और व्हाट एल्स? So if you are doing the online shopping, obviously you have to pay from the cards, debit card or the credit cards. Cash on delivery is a facility, but you cannot try the products. Agar aap physically shopping mein ja rahe hain, aapke paas direct contact hai with the products, you can able to see it. That is the alternative. Wo to alternative bata rahe ho na, aapki we can return, right? Lekin agar aap ekdam se agar aapko short notice pe koi product chahiye, to can you do with that online shopping? You have to wait. Still you have to wait for 24 hours. What if you immediately want a product? Agar aapko abhi 10 seconds mein, I'm saying ki aapko 10 minutes mein koi product chahiye, koi emergency hai, to what you will do? You will not prefer to for the online shopping then. You have aise to fir sab kuch aa jata hai. There are the alternative solutions that you can achieve. Okay, so major reason to conduct the online shopping is convenience. So everywhere, anytime, anywhere you can have that facility. It will save the time and effort. Various brands and the products can be compared. The prices can be compared. And wide variety of products are available at a single platform. You need not to visit different shops for different kind of products. But the disadvantages, delay in delivery can be there, lack of personal touch with the product. There can be the credit card fraudulence, cyber crimes can be there. So people are not more aware. Agar aap bahut sari generation ki baat karo, to sare itne habitual nahi hai online payment ke liye. Okay? We are not talking about the future here. So lack of interactivity. अगर आपको कोई किसी particular appliance अगर आप buy कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे कोई demo देने के लिए available नहीं है. You have to wait for the service. ठीक है? अगर आप readily किसी भी shop पे available हो, they can show you the demo at that particular time. So lack of interactive touch is there. And the websites which are for the shopping, Myntra.com is there, Flipkart, Amazon, and Snapdeal. So learn any 5 to 6 websites for the e-shopping concept. Okay, so what are the threats and security concerns with respect to the e-shop? So the person, the hacker or the attacker can gain access to the sensitive data. For example, agar aap apni credit cards ki detail dal rahe hain, so it can be attacked by the hacker. The sensitive information can be there. और कई बार बाय मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम सेव कर देते हैं अपने पासवर्ड्स को भी. ठीक है? सो नेवर सेव देम. दैट इज वन ऑफ द कॉन्स फॉर दैट. सो इट इज आल्सो दैट इज ऑन योर सिस्टम ना. अगर आप कहीं करो, आप अपने मोबाइल को हॉट
आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हो, यू आर एट सम पब्लिक प्लेस एंड आप वहां का वाईफाई यूज कर रहे हो यूजिंग अ हॉटस्पॉट, अगर वहां पे आप सेव करेंगे दैट मींस यू आर टेकिंग यू आर गिविंग द एक्सेस टू द वल्नरेबल अटैकर. सो ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर जब भी आप अगर आप कहीं पे बाहर हॉटस्पॉट यूज कर रहे हो डू नॉट फिल दिस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, चाहे वो आप अपने सेल पे ही कर रहे हो. इवन कई पब्लिक प्लेसेस पे आपको चार्जिंग की फैसिलिटी भी गिवन होती है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ काइंड कि आप वल्नरेबल हो फिर अटैक के लिए. हाँ, क्योंकि वहां पे बहुत सारी ऐसी चिप्स वहां पे उन्होंने यूज करी होती है, दे कैन हैव द डेटा थ्रू द चार्जर्स इटसेल्फ. ओके, वाईफाई का तो चलो बहुत कॉमन कंसेप्ट हो गया, आजकल तो ये चार्जर्स फैसिलिटीज से भी दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ क्राइम्स, राइट? सो दे कैन हैव गेन एक्सेस टू द शॉपिंग हिस्ट्री आपकी, जितनी भी की पर्सन पर्टिकुलरली किसमें ज्यादा उसको इंटरेस्ट है, किस काइंड ऑफ प्रोडक्ट में, विच काइंड ऑफ वेबसाइट्स दे आर विजिटिंग. तो शॉपिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री कुकीज की फॉर्म में आपके पास स्टोर्ड हो रही है. तो अगर किसी को शॉपिंग की हिस्ट्री मिल जाए कौन सी वेबसाइट्स या कौन से प्रोडक्ट्स को ज्यादा आप विजिट करो तो उससे क्या होगा, स्पैम्स मेल्स विल बी देयर, जंक मेल्स विल बी देयर, एडवर्टाइजर्स जो क्या करेंगे आपको सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स पॉपअप्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. आप कभी भी देखना कोई भी एक तरह का प्रोडक्ट जब भी आप सर्च करते हैं यू स्टार्ट गेटिंग एडवर्टाइजमेंट्स ऑन योर सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल्स, ठीक है? तो वहां पे वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी जो कुकीज में से इंफॉर्मेशन आपकी ट्रैक हो गई हुई है. कुकीज आर द टेंपरेरी फाइल्स विच विल स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ योर ब्राउजर. आपने क्या क्या सर्च करा आपकी सारी सर्चिंग हिस्ट्री कुकीज के अंदर स्टोर होती है. वी हैव स्टडीड दिस कंसेप्ट इन 9th क्लास इफ यू रिमेम्बर इन साइबर क्राइम्स, साइबर सेफ्टी एंड साइबर क्राइम. ओके, सो यू आर गिविंग द एक्सेस डिटेल्स ऑफ योर लोकेशन. जब हम शॉपिंग करें तो हम अपने घर का एड्रेस डाल रहे हैं और कई बार हम कर देते हैं अलाउ. हैव यू सीन वहां पे आपको ऑप्शन पूछी जाती है अलाउ और ब्लॉक ब्लॉक. तो हम यूजली क्या करते हैं कि यस हमने सेम इसी एड्रेस पे करना है तो अलाउ ओवर लोकेशन. सो दैट इज वन ऑफ द टेक्निक अगेन ऑफ गेनिंग एक्सेस एडवर्टीजमेंट. हाँ, उसी हिसाब से. तो वो आपको कैसे पता चल रहा है इंटरेस्ट क्या पर्सन का एक सूटेबल इंटरेस्ट है, दैट इज योर ब्राउजिंग हिस्ट्री. वो हिस्ट्री आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से पता चलती है वो चीजें कुकीज में स्टोर्ड है कि आपने कौन कौन से लिंक्स आपके फ्रिक्वेंटली विजिटेड लिंक्स हैं. सो फ्रॉम देम इट इज एबल टू कवर. ओके, नाउ द नेक्स्ट सर्विस इज ई रिजर्वेशन. व्हाट इज ई रिजर्वेशन? इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन. E-reservation, booking of tickets online without physically going and making the bookings. So you can book a ticket nowadays for movies, for the flights, for the train tickets as well. So, or agar koi aap exhibition attend kar rahe ho, koi aap event attend kar rahe ho, so nowadays every kind of things can be, the tickets can be booked online. So that is the e-reservation. Any website? बुक माई शो, मेक माई ट्रिप, ठीक है? तो आपको कोई भी 5-6 वेबसाइट्स यू मस्ट बी नोइंग फॉर दैट. क्या चीज, किस चीज की होती है? अच्छा, आई एम नॉट अवेयर. ओके, सो यू आर अपडेटिंग मी, थैंक्स. सो ई रिजर्वेशन और द ऑनलाइन रिजर्वेशन, it is the process of determining the availability of the tickets and the tickets for any kind of like movies, flights, trains, etc. via internet. So that means you are making the use of internet here. Online accessibility is there. So the advantage, first advantage is safety. How it is the safest method? How it is secure? Secure kaise hai? हाँ जी बताओ. कॉन्टेक्टलेस पेमेंट है, उससे क्या होगा? ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस हाउ द ई रिजर्वेशन और इफ यू आर रिजर्विंग द टिकट्स ऑनलाइन, हाउ इट इज अ सिक्योर मेथड? कई बार अगर आप टिकट्स आपके पास ऑफलाइन मोड में टिकट्स हैं, ठीक है, इट कैन बी पॉसिबल आपकी टिकट लॉस्ट हो गई है. It can be possibility. Possibility is there. So you are having a concept of e-tickets.
So e-tickets are always downloaded in our cell phone. That is a soft copy. Chicken. So that is the way the e-reservation concept is more secure than the physical method. Ease. Why is that ease? Why it's convenient? You need not to visit physically for the booking. आपको बुकिंग काउंटर्स में इतनी लंबी लंबी क्यूज में खड़े नहीं होना पड़ता. अदरवाइज पहले क्या होता था, कभी अपने पेरेंट्स से पूछ के देखना. इफ दे हैव टू रिजर्व अ पर्टिकुलर ट्रेन फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, सो दे हैव टू स्टैंड इन सच अ लॉन्ग क्यूज एंड वेटिंग फॉर आवर्स. बट नाउ यू कैन इजिली कंपेयर द प्राइजेस एज वेल, कि कहाँ से हमें सस्ती पड़ रही है, कहाँ से कौन सा डायरेक्ट रूट मिल रहा है, कौन सा हमें शॉर्टेस्ट रूट मिल रहा है. सो ऑल दी थिंग्स कैन बी कंपेयर. अदरवाइज अगर आप फिजिकल मीडियम में जाओगे, कोई नहीं आपको बताएगा वहां पे for the lowest price or for the you can select the seats as per your convenience. So all these facilities are available only in the online mode, right? Next, available anywhere. Aisa nahi agar aapko koi ticket reserve karwani hai, chahe aapko 3 months back ki karwani hai, to ye nahi hai ki aapko pehle wait karna padega for such a time. You can reserve your seat anytime, anywhere. So fast. Obviously, that is the fastest method as comparatively if we are standing in a queue waiting for such a long hour. So that is the fastest method. What are the application areas of e-reservation? कहाँ पे use होता है? Movie tickets, railways, airlines, any exhibitions, any live events, band events होते हैं हमारे पास. So you can reserve a ticket for any kind. And the examples I've already told you, make my trip, book my show. So you have to learn the examples. Okay, now next is e-reservation process. How to buy an e-ticket? What is the process? So firstly, you have to log in to a particular website. Choose the options as per your convenience. कौन सी आपको seat चाहिए, कितने price की चाहिए, कौन सी डेट की चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी इजिली बुकड ऑन द इंटरनेट, राइट? सो इट विल गिव यू द, इट विल प्रोवाइड यू द डिटेल्स रिगार्डिंग द डे, टाइम, सीटिंग टाइप, कौन सी आपको टाइप की सीट चाहिए. द वेबसाइट विल ऑल्सो डिस्प्ले द अवेलेबल च्वाइसेस. यू हैव टू मेक अ च्वाइस एंड कन्फर्म बाय सबमिटिंग योर डिटेल्स. Then you have to make the payment, and the payments mostly in the form of e-payments, that is online payments you have to do. Once the e-payments are being processed, the website will show you a e-ticket on the screen that you can either save it, download it in the form of the soft copy, or you can take it as a printout form also. Okay. Disadvantages of reservation ki wahi hai. अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करें, अगेन मेनी ऑफ द यूजर्स आर नॉट प्रेटी मच अवेयर ऑफ द फैसिलिटी, और दे आर नॉट मे बी एबल टू यूज दैट फैसिलिटी, कि कैसे करना है. उनके मन में डर ही होता है कि हमारा कार्ड कुछ हो ना जाए, हमारे साइबर क्राइम में कुछ ना हो जाए, लाइक समथिंग. सो दे आर ऑलवेज स्केयर्ड. यू कैन वेल इमेजिन, अगर आप अपने पेरेंट्स की भी बात करो, बहुत जो है आपके ओल्डर वंस हैं, दे विल नॉट इन टू दिस मच फैसिलिटी. उनको कन्वीनियंट नहीं लगेगा, ये मैच सेफ ही नहीं लगेगा. दे विल नॉट फाइंड इट एज अ सेफेस्ट अप्रोच. दे विल से रेदर कि वी शुड गो फिजिकली ओनली, राइट? तो इतने कन्वीनियंट ही नहीं है, यूज्ड टू ही नहीं है उस चीज के लिए. द नेक्स्ट ई सर्विस इज ई गवर्नेंस. ई गवर्नेंस, व्हाट इज ई गवर्नेंस? दैट इज ऑनलाइन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट. So that means government की कोई ऐसी websites बनी हुई हैं, so we can have the facility, we can any kind of information that we want to seek, we can seek from this kind of websites. So that is a news groups. E-groups means news group where a people of different community have a same kind of interest, so they can share a topic on a same topic. That is also called a news group. Yes. नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वेयर यू कैन मेक देयर. ओके, सो इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजंस. सिटीजंस कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट, अदरवाइज आपको कोई फिजिकल अपॉइंटमेंट नहीं देने वाला. यू क्वेरीज, हाँ, उसके लिए बहुत जान पहचान होनी चाहिए ना, एंड वी आर नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ पर्संस. ओके, सो गवर्नमेंट एंड सिटीजंस में इंटरेक्शन कैन बी डन. गवर्नमेंट एंड बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज कैन बी डन थ्रू द ऑनलाइन मोड.
कितने काम होते हैं बिजनेस अगर आपके घर पे होगा, आपने कभी सुना होगा कि हमने ये रजिस्ट्री करवानी है, हमने पर्टिकुलरली प्लेस के लिए इतना लोन पेमेंट करना है. सो वट एवर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर, जिसमें गवर्नमेंट की ये हम जाते भी हैं ये सुविधा सेंटर्स. सो ऑल दीज थिंग्स, द ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑनलाइन नाउडेज. इवन कोई भी न्यू बॉर्न बेबी है तो अगर आपको वो भी बनाने हैं अपने आधार कार्ड्स और चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट्स, ऑल दीज थिंग्स, बट यू कैन टेक ना अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन. आपको वहाँ पे फिजिकल पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है. लाइसेंस भी आप अभी आजकल बना सकते हो, इवन पासपोर्ट्स ऑल्सो. हाँ जी, वो तो आपको एक डेट मिलती है ना, उसके लिए पहले उसके पहले वाले प्रायर इन्फॉर्मेशन तो फिल करनी है ना, वो आप फिजिकली जाके फिल करोगे. यू कैन अवॉइड दैट स्टेप बाय सिटिंग एट होम फिलिंग ऑल द डिटेल्स. अगर आप अपना चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो आपको ये नहीं कि आपको पहले जाके सारी डिटेल्स वहाँ पे सुविधा सेंटर में फिल करवानी है. ठीक है, इवन अ लाइसेंस, अगर आपको कोई पासपोर्ट बनाना है तो पासपोर्ट भी आजकल हम ऑनलाइन घर पे बैठे ऑल द गवर्नमेंट रिलेटेड क्वेरीज कैन बी सॉल्व्ड देयर. सो यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस इन इंटरनल गवर्नमेंट ऑपरेशंस एंड द ऑल द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स, दे आर बेसिकली प्रमोटिंग ऑल द प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट. सो द एडवांटेजेस, एनी ई गवर्नेंस वेबसाइट, ओके, कोई भी आपको पता हो. हाँ, आरोग्य सेतु और एनी अदर, पासपोर्ट, पासपोर्ट वाले को क्या वेबसाइट है अगर आप पासपोर्ट ऑनलाइन बनवाते हैं, व्हाट इज द वेबसाइट फॉर दैट? passport.gov.in, www.passport.gov.in. यू विल जस्ट विजिट द वेबसाइट एंड यू विल जस्ट लुक एट द स्टेप्स, हो जाएगा. यस, और कौन सी वेबसाइट है? supremecourt.india. ठीक है, सो दीज आर दी वेरियस वेबसाइट्स फॉर दी ई गवर्नेंस. हाँ, राइट, ओके. यू कैन रिड्यूस दी वेटिंग टाइम अगर आप फिजिकली जा रहे हैं सुविधा सेंटर्स में. ऑब्वियसली लॉन्ग क्यूज आर देयर, पीपल आर वेटिंग, ह्यूज रश इज देयर, तो आप वेटिंग टाइम अपना रिड्यूस कर रहे हैं. एंड दी इम्प्रूव्ड एफिशियंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, अदरवाइज वहां पे आपकी बात सुनते भी नहीं है इतना रश में. ठीक है, और क्या, करप्शन कैन बी अवॉइडेड. अगर वहां पे आपको काम करवाना है क्या देना पड़ता है, हमें पैसे देने पड़ते हैं, ब्लैक मनी इज देयर. सो इफ यू आर डूइंग द वर्क ऑनलाइन, नो नीड ऑफ पेमेंट्स, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ही नहीं कह रही है, आपको सिंपली डिटेल्स फिल करनी है, यू आर एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. सो करप्शन कैन बी अवॉइडेड. ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारे घोटाले होते हैं पेपर वर्क में, बट इफ यू आर डूइंग द वर्क ऑन इट्स ओन, अगर हम सब कुछ वेबसाइट्स के थ्रू कर रहे हैं, द ट्रांसपेरेंट सिस्टम इज देयर. बट अगेन द डिसएडवांटेज, रिस्क ऑफ पेमेंट्स वाया ऑनलाइन मोड, पीपल आर नॉट मच अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ वेबसाइट्स, उनको पता ही नहीं है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती भी हैं, है ना, फिर उनको यूज कैसे करना है, फिर अगेन पेमेंट कैसे करनी है. सो ऑल दीज थिंग अगेन अ रिस्ट्रिक्टेड प्रोसेस फॉर अ ओल्डर जनरेशन. सो एनी डाउट? यस, ports.gov.in, दैट इज करेक्ट. Any doubt now? E-shopping, e-reservation and e-governance. No, that is a separate service. वो लग गए, वो news groups हैं, जहाँ पे groups of user can able to communicate on any same type of topic. So posting can be done. You can get the messages. Suggestions can be seen. Obviously, positive and negative reactions both will be there. हमने न्यूज ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, ऑल्ट डॉट टेनिस वाली एग्जांपल बताई थी मैंने आपको, दैट आर द न्यूज ग्रुप्स. ऑल्ट डॉट टेनिस, न्यूज ग्रुप में हमने वेबसाइट एक एग्जांपल करी थी, सो दैट इज द एग्जांपल. सो स्टार्ट लर्निंग द एग्जांपल्स, क्योंकि इतनी सारी सर्विसेज हैं, सबकी एग्जांपल्स बाद में आपको लर्न नहीं रहेंगी. फॉर एवरी सर्विस यू हैव टू लर्न द मीनिंग, सेकेंड एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन एरियाज एंड दी वेबसाइट्स. अगर देख लो, 5-7-8 वेब सर्विसेज आर देयर. फॉर ईच ऑफ दी वेब सर्विसेज 3-4 क्वेश्चंस, सब क्वेश्चंस आर देयर. ओके, नॉर्मली एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस काफी हद तक सारी सर्विसेज की सेम ही आएंगी, 24x7 है. डिसएडवांटेज में वही है कि साइबर क्राइम्स कैन बी देयर, फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स कैन बी देयर. ओके, एंड द मीनिंग,
Okay, so be ready for the test on Friday. Chapter 1 or 2? So chapter 1 mein the topics internet, intranet, world wide web, basic terminologies of the internet, server or web server mein kya difference hai, examples of web server, types of server, वेबसाइट और वेब पोर्टल में क्या डिफरेंस है, देन व्हाट इज अ वेब पेज, व्हाट इज अ वेबसाइट, कंपोनेंट्स ऑफ वेब पेज, कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट. हो जाएगा? पहले पढ़ना तो स्टार्ट करो.